कौन सी किताब में लिखा अच्छे दिन आ गए, कौन सा भाव बढ़ा दिया। सरकार तो यो धल्ले की भी नहीं है, बुरे दिन चल रहे, महंगाई इतनी। गेहूं है जी, सरसों है, सब तहस नहस कर दिया जी, कुछ नहीं छोड़ा इस सरकार ने। यार अच्छे दिन किस चीज में आ गए आप ये बताओ, सरकार ने वादा करा था कि किसान की आय दुगनी कर देगी, कहां आज तक कहां गई सरकार। वादे करते हैं ज्यादा और रही बात तो देने के लिए इनके पास कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में, मैं हूं नितिन चौधरी। खतौली के अंदर बीजेपी एक तरफा चुनाव में पराजित हो चुकी है। आज हम पहुंचे हैं कैड़ी दरियापुर गांव के अंदर, मिलीजुली आबादी का ये गांव है, मीरापुर विधानसभा का ये इलाका है। क्या मुद्दे हैं इन लोगों के, किसान बहुल ये क्षेत्र है, क्या इन लोगों की आय दुगनी हुई, सरकार ने वादा किया था, अच्छे दिन आ गए क्या इन लोगों के, क्या मुद्दे हैं, गन्ने का भाव है, आवारा पशु है, बिजली के मीटर का भी एक मुद्दा है, क्या 24 में बदलाव होगा या मोदी सरकार से ये लोग खुश हैं, तमाम बातें हैं, सीधे बातचीत कर लेते हैं। वेदपाल जी, किस समाज से हैं आप? गुर्जर। सही मिल रहा है गन्ने का? आजी भाव तो बढ़ा ही नहीं, अब क्या भाव कहाँ बढ़ा। सुखबीर सिंह, अच्छे दिन आ गए सुखबीर जी। हाँ बढ़िया टाइम कर रहा हूँ। क्या खूबी सरकार में? सरकार में खूबी बदमाशी डकैती है कम होगी। आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल है जी। किस समाज से हैं? पाल समाज से। अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन कहाँ है जी, जब सौराज जी बिजली के बिल बढ़ रहे, मान लो हर चीज बढ़ रही, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, तो अब बताओ कहाँ से अच्छे दिन आ जाएंगे। ये तो कह रहे, ये कह रहे तो उन्हें तो करना खाना भाई, जैसे लोग कर रहे ऐसे गिर रहे कर रहे भाई, और क्या करे, टाइम काट रहे और क्या। अच्छा, आय बढ़ी आपकी? कहाँ से बढ़ गई जी, सरकार ने वादा किया था 2022 तक आय दुगनी किसानों की हुई, कहाँ हुई बताओ, 10 साल में 25 रुपए बढ़े, मजदूरी बढ़ गई ज्यादा, किसान क्या करेगा, मजबूर है। अच्छा, किसके आगे रोवे बताओ, रोवे किसके आगे जब कोई सौदा सुनता ही नहीं। ये जवाब दीजिए, तो कह रहे हैं बहुत परेशान है सरकार से। है? भाई बता, कौन सुन रहा कोई सरकार? नहीं जी नहीं, जवाब दीजिए, कोई सुन रहा क्या? परेशान तो सभी रहे हैं, कोई सी भी सरकार आ जाएगी उससे परेशान है। क्या खूबी है सरकार में? ये तो कह रहे हैं गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, सब चीज महंगी हो गई है। गन्ना का भाव थोड़ा बढ़ रहा, जब 3-3 रुपया क्विंटल बिका था उससे तो बढ़िया, आप 360-370 का बिक रहा जी, जवाब दीजिए इस बात का। अजी वो तो पहला जमाना था, पहला था जब 2 रुपए की मजदूरी थी, जब 3 रुपए क्विंटल गंडा बिका था, अब जब 500 रुपए की मजदूरी मजदूर की, ये तो कह रहे अब 300 रुपए अच्छा मिल रहा है, 350 का, 350 का कह रहे हैं जी। इन्हें कहने से क्या हो रहा, मिल रहा मिल काशकार तो ढूंढ हो लिया, ये तो कह रहे मिल गया, मिल गए तो कुछ नहीं, तो बगैर दवाई के तो कोई चीज ही नहीं, अब जा अब तो सब चीज दवाई से, अब तो दवाई से पैदा हो रहे हैं, दवा की भी करे तो बंद हो रहे। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए आप, कह रहे हैं कर्ज बंद हो रहे हैं जी। ये कौन सा काशकार? इस समाज से हैं? गुज्जर समाज से। अच्छे दिन आ गए आपके? कौन सी किताब में लिखा अच्छे दिन आ गए, कौन सा भाव बढ़ा दिया, कितनी महंगाई हो गई, बेगा खर्चा पूछो, बीघे में कितना खर्चा आ रहा गन्ने का, गेहूं में कितना खर्चा आ रहा पता ही नहीं, कौन सा वादा पूरा करा। इन्हें तो ये पता है कि मजदूर किसान का मजदूरी कर ली तुम्हारे चढ़ गए, किसान को तो बताओ मजदूर की मजदूरी कैसे देना चाह रहा, वो अपना पेट काट रहा है। सरकार में? सरकार तो धल्ले की भी नहीं है, किसी जगह अच्छी नहीं है, बिजली के बिल में ले लो, घर के बिल में ले लो, कोई डंगर छोड़ रखे, पशु छोड़वा दिए, सिवा किसानों का नुकसान चला था, और कोई चारा नहीं है सरकार का, और किसान के बच्चे या किसी मजदूर के बच्चे, हमारे गाँव समाज के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, कोई अच्छे स्कूल में लिख नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, आपके पास बच्चे खड़े हैं, और किसान को और इससे ज्यादा परेशानी और क्या मिलेगी। अच्छा, किसान सम्मान निधि मिल रही है, डिजिटल इंडिया हो गया, हर तो समय पर मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। सड़कें कौन सी बन रही, हमारे यहाँ से कोई भी सड़क जाकर देख लो, पूरे गांव में घूम कर देख लो, कोई भी सरकार आ जाए, जो भी कोई नेता आएगा ना, वो सरकार सड़कें बनवा दो, कोई से तुम भी लिकड़ के आए होंगे भी, कोई सा खड्डा या सड़क कोई तैयार हुआ, आप बेड़े से चले, बेड़े चले, आपने गन्ने का भाव क्या मिल रहा है, लगभग इतनी लागत आ रही गन्ने में बुआई से लगाया कटाई तक, वो किसान के जी को ही पता। आय दुगनी हुई आपकी, सरकार ने वादा किया था? वादा तो सरकार पता नहीं क्या क्या झूठे वादे करती है, प्लस किसान को या मजदूर को कुछ भी नहीं समाधान हुआ। किसान समाज से हैं आप? गुजर समाज से। सचिन पाल जी, पाल समाज से हैं। हाँ जी। अच्छे दिन आ गए सचिन आपके? अच्छे दिन, बुरे दिन चल रहे, महंगाई इतनी, महंगाई इतनी, मजदूरी 300 रुपए मजदूरी चली, क्या पता 600 रुपए मजदूरी चाहिए आदमी की। ये तो कह रहे अच्छे दिन आ गए सैनी समाज से। सैनी समाज क्या पता खंडा खंडा हमें बताओ जी, मजदूर आदमी को लेकर लगा कहीं भी। क्या कमी है सरकार में? सरकार में कमी जी, हर चीज महंगाई कर दीजिए।
डंगा ढोने के देंगे हमरे। पुष्पेंद्र जी, ये क्या ले रहे हैं आप? ये तार है जी, पशु से जो है खेत की चार दीवारी कर रहे हैं जिससे खेत में पशु ना घुसे। परेशान है जी, गेहूं है जी, सरसों है, सब तहस नहस कर दिया जी, कुछ नहीं छोड़ा इस सरकार ने। तो सरकार को करिए अच्छे दिन आ गए जी। सरकार अच्छे दिन किस चीज में आ गए आप ये बताओ? सरकार ने वादा करा था कि किसान की आय दुगनी कर देगा, कहाँ आज तक कहाँ गई सरकार बताओ? एक भी वादा पूरा करा गया सरकार ने? वादा करा किसान के सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे, आधे कर दिए जाएंगे, बताओ करेगा? किस समाज से हैं आप? गुज्जर समाज से जी। खुश नहीं है सरकार से? बिल्कुल खुश नहीं है जी। पिछली बार किसको वोट दिया था लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा में मलूक नागर जी को दिया था जी, एमपी। अच्छा, हाँ जी। और इस बार 24 में? 24 में तो जी कैंडिडेट के ऊपर बात है जी। क्या चाहते हैं 24 में? 24 में तो बदलाव चाह रहे जी, गठबंधन। हाँ जी जी, क्या लग रहा है 24 में? गठबंधन है भाई, गठबंधन के सहमत है जी, गठबंधन के सहमत है। उम्मीद है गठबंधन में? राष्ट्रीय लोकदल भी है। क्या खूबी है इन पार्टियों में? किसान हितैषी है, किसान के वाइट आ रहे, चार बार पत्र लिख लिया गन्ने के मामले में, एक रुपया तो बढ़ाया नहीं इन्होंने जैन चौधरी ने। हाँ जी, एक रुपया नहीं बढ़ा। तो जैन चौधरी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, गन्ने का मुद्दा उठा रहा है। और सरकार तो उसके लिए रहेगी ना, जो जो भी कोई नेता या सरकार जो किसानों की सुनाई वाई करेगा उसी की तो सहमति लेंगे हम भी। अब जो हमारी नहीं सुनने का उसे हम क्यों सुनेंगे, उसकी क्यों सुनेंगे? जैन चौधरी से उम्मीद है? उम्मीद भी है दुनिया का, हम देखते हैं आगे, अगर वे भी करेंगे अच्छा तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में फिर किसी और को देखेंगे। हमारे तो अच्छे यार है। तो आप चाहते हैं अच्छे दिन बने रहे या बदलाव चाहते हैं? नहीं, हमारा अच्छे दिन कट रहे हैं। मतलब मोदी से खुश हैं आप? हाँ। इसमें कौन? गठबंधन। गठबंधन है हमारा जी। जैन चौधरी? हाँ जी। यतेंद्र कुमार। किस समाज से हैं? गुज्जर। अच्छे दिन आ गए सर आपके? मारे सरकार ने वादा किया था? नहीं नहीं, वादा तो किया सरकार ने, लेकिन हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं अच्छे दिन है। योगी जी हैं आप, अच्छे कपड़े पहने कहे गए? ये अपनी मेहनत से, ये अपनी मेहनत से, अगर हम अपना खून पसीना ना खेतों में बावे तो कौन देगा हमें रोटी खाने के लिए? क्या कमी है सरकार में? सरकार में कमी कुछ नहीं, सरकार में कमी है इनकी, वादे करते हैं ज्यादा, और रही बात देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, आज तक एक रुपया भी ना बढ़ाया इन्होंने गन्ने के ऊपर। सरकार ने वादा किया था आय दुगनी 2022 तक हुई आपकी? किसकी? नहीं, हमारी कोई आय दुगनी नहीं, हम तो जो कहते हुए वेगे भाई। अब की बार फसल पे बीमारी जो पिछली बार के मुकाबले डाउन निकल रहा, फिर पेस्टिसाइड खाद, गन्ने का भाव, गन्ने का भाव बढ़ाया ही नहीं हमारा। और एक चीज और की डीएपी अखिलेश की सरकार में 700 रुपए की, अब की बार जो है 1450 रुपए की करी इन्होंने, शर्म आनी चाहिए इन्हें। ढाई महंगी कर दी? हाँ, ढाई महंगी की, डीजल महंगा करा, क्या चीज नहीं करी इन्होंने महंगी। हमें तो मतलब एक चीज का मानी तो मिल रही है किसकी? ये 2000 रुपए उल्टे किसान से लो ना, हम देने के लिए तैयार है। खुश नहीं है? 2000 रुपए की 4000 रुपए देंगे गन्ने पर हर साल, ये भाव बढ़ाओ। रही बात ये जो पशु है आवारा, इनका इंतजाम करो। अच्छा, आवारा पशु? आवारा पशु। अच्छा, खतौली में भाजपा की दुर्गति होगी, चुनाव हार गई खतौली, इन्हें बड़ी 24 में क्या लग रहा है? इन्हें शर्म आनी चाहिए, एक इतने बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री और वे एक सीट के लिए वहां फिर रहे। तीन तीन मुख्यमंत्री आए, मेरा मतलब कहने का मुझे नहीं पता तीन आए, मतलब उस सीधा योगी की बात कर रहा मैं तो, एक 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 सीट के लिए लोग गए वहां गन्ने के बारे में बात सुनने, वहां हो रही मतलब दंगे की बात। अरे दंगे को छोड़ दो, कम से कम इनकी रोटी के बारे में तो ख्याल कर लो। दंगे की बात करती है सरकार, रोजी रोटी पे ध्यान नहीं है? नहीं जी कुछ नहीं। 24 में कौन? 24 में अब की बार हवा खाओ, ये गठबंधन आओगा। किससे उम्मीद है गठबंधन में? चेहरा तो होगा कोई, कौन सा आ जाएगा? जो भी कोई आएगा इस इलाके में, किससे उम्मीद है? इस इलाके से तो कोई तो आओगा, वहां तो ऊपर केंद्र में तो रही बात ही, राहुल आ जाओ। राहुल गांधी से उम्मीद है बदलाव? बदलाव चाहिए हमें। मोहभंग हो गया मोदी जी से? मोदी जी से मोहभंग नहीं है। पिछली बार किधर थे लोकसभा के चुनाव में? मोदी जी के साथ थे। इस बार बदलाव? हाँ, इस बार बदलाव है, यही बात है जी। दो चार जो भी बात इन्होंने बताई यही है। आवारा पशु, अच्छे दिन आ गए क्या? आवारा जी कहाँ आ गए अच्छे दिन? आवारा पशु, और टाइम पे खाद नहीं मिल रहा, बिजली का बिल बढ़ गया, यही है दो चार बात। आय बढ़ी आपकी? सरकार ने वादा किया था नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़ी, जो कि तू है सेम बिल। 24 में कौन आएगी? तो भाजपा ही भक्ति कर रहे हैं सरकार की, आएगी तो भाजपा ही भक्ति कर रहे हैं।
आएगी तो भाजपा भाई क्यों आएगी? ये सुधर जाओ थोड़े से, खुश है सरकार के काम से? हमारी सरकार में तो पुलिस गुंडागर्दी कर रही थी, कोई किसी की सुनाई नहीं हो रही इसमें, सबने पहले थी और सरकार में सुनाई तो हो जाती, इसमें सुनाई नहीं हो रही, इसमें तो मनमानी हो रही थी, सदा मुख्यमंत्री की या मंत्रियों की या विधायक की कोई नहीं मान रहा, नहीं अन्य पहले सुनाई होती एकदम सारे अधिकारी नाचते थे, अब हम देखा नहीं थी कोई भी। पिछले चुनाव में किधर थे आप, किसको वोट दिया था? भाजपा को दी थी जी। और इस बार 24 में क्या लग रहा है? अब का नहीं देने का जी, जब इन्हें सुनाई नहीं हो रही हमारी, इस बार नाराज है? हाँ जी। किससे उम्मीद है 24 में? किससे उम्मीद है? सब अगला रहेंगे जी, वो तो गठबंधन। नाम जगपाल भाई। अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे चल रहे जी, बस मजदूरी करो जा खाओ जा जी। खुश है सरकार के काम से? आज सही है जी, खुश है जी हम। क्या खूबी सरकार में जी? अच्छा कर रही, जो कुछ कर रही है सही है जी। राशन मिल रहा है टाइम पे? हां जी राशन मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है। मजदूरी? मजदूरी मिल रही है टाइम पे। किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा। आए दुगनी तो होनी और घट गई जी। हाँ भाई हम तो अपने आप बीच बता रहे हैं, हमारी तो घट गई। क्या परेशानी हुई? परेशानी तो बता रही जी, रखवाल कर रहे रात के दिन की, मोदी जी ने वादे पूरे कर दिए अपने, ना सो ना सोने दो। अच्छा ये कर दिए वादे, वो तो कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना सो ना सोने दूं, ना सोने दूं, तो वही काम हो रहा है, ना तो सोने दे रहे, खाने को तो दे रहे हैं बस, वो ना राशन जिसको मिल रहा। 24 में कौन? अभी 24 में आने वाला समय बताओ, बदलाव हो जाएगा जी, बट ठीक है। और क्या बदलाव चाहते हैं 24 में? मेरा नाम राजू है जी। किस समाज से हैं? गुज्जर। अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं अच्छे दिन तो हमारे बेकार दिन है भाई, हमारे तो डंगरों ने हमारी खेती खा ली जी भाई, वो समय बड़ा तो वो यो है 10 बीघे 30 बीघे उजाड़ दी मालिक की, जो एक ट्रॉली भी नहीं गई। ये तो कह रहे अच्छे दिन आ गए अभी। अजी कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ आ गए, तो बुरे आ गए साले, खेतों पर पड़े झोपड़ी घेरो। आय बढ़ी आपकी सरकार ने वादा किया था, आय 2022 तक। कौन सी जी? आमदनी। आमदनी कहाँ आ गई, जब डंगरी पी गए आमदनी तो खत्म कर दी किसान की। अच्छा हाँ जी। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? नहीं पिछले चुनाव में भी हमने मोदी को ही दी थी, और इस बार 24 में? नहीं 24 में तो देखेंगे, अभी तो आगे चल गए। गोल गोल बात कर रहे? नहीं गोल गोल की बात नहीं कर रहे हम, तो बात सच्ची कर रहे। क्या चाहते हैं 24 में? 24 में तो देखो वो टाइम बताओगा, जो आप क्या चाहते हैं? नहीं जो ऐसा मामला रहा तो 24 में तो भैया उल्टा ही मामला पड़ जाएगा। धमकी दे रहे हैं सरकार को? नहीं नहीं सरकार को धमकी नहीं है, सरकार ने हमें परेशान कर दिए, घर को छोड़ दो, खेतों में पड़े झोपड़ी बांध रखी अपना भाई, रात तो वहाँ खेत दो जहाँ डंगरों को। गन्ने का भाव बढ़ा आपका? अजी कहाँ बढ़ा और घट गए। डीजल देख लो कहाँ जा रहा, किसान वैसे मर गया ठोड़। सिंह किस समाज से है? गुज्जर। अच्छे दिन आए आपके? हाँ बहुत बहुत है। क्या अच्छा है सरकार में? हाँ जी क्या अच्छा है सरकार में? यो अच्छा है अपने खेतों की रखवाल कर दे, खेतों की रखवाल कर दे अपने। आवारा पशु? आवारा पशु बहुत, एक आधा नहीं बहुत, अभी भी इस खेत का आय बढ़ी आपकी? आय काहे में बढ़ गई बताओ? अभी तो गन्ने वादा किया था सरकार ने, वादा किया था अभी गन्ने का भाव नहीं घोषित होया, मिल तो रहा है 350 का पेमेंट। कौन कौन दे रहा, कौन दे रहा? ओ छोटू हमें 341 रुपए का मिल रहा, हरियाणा में पंजाब में चले जाओ 380 रुपए का है। केजरीवाल की सरकार है वो? हाँ केजरीवाल की या किसी की भी है, 380 रुपए का घोषित कर रखा उन्होंने, बताओ कौन सा बढ़ाया इन्होंने, एक रुपया नहीं बढ़ाया इन्होंने। और मोरना मिल का तो हाल वो भूखा मरेगा, तो सरकारी मिल है? हाँ वो सरकारी मिल है, सरकार कहे हम इसे हम इसका मतलब बढ़ावेंगे, इसे मिल को बढ़ावेंगे बढ़ावेंगे बढ़ावेंगे, वो साला बढ़ा क्या वो उतना भी नहीं चल रहा, 3 दिन हो गए शिफ्ट बंद हो, 3 दिन से ट्राली भरी खड़ी, तो आए क्या बढ़गी किसान की बताओ? पिछली बार किधर होते चुनाव में भाई? उस बात को छोड़ दो, पिछली बार तो हम क्या नाम बीजेपी पे थे, और इस बार 24 में क्या चाहते हैं? 24 में तो देखेंगे, सरकार हमारा समाधान करेगी तो हम भी सरकार का समाधान करेंगे, नहीं तो हम भी नहीं करते। विकल्प कौन है अगर मोदी नहीं तो कौन? नहीं तो विकल्प मोदी है, सरकार मोदी की बनेगी पर हम नहीं बनाने के। भक्ति कर रहे हैं फिर आप? हैं हम नहीं बनाने के क्यों, हमारे तो भाई आज भी हैं और आएंगे भी मोदी। नहीं आप एक बात बताओ, हमारी 25-30 से वे कम होगी उत्तर प्रदेश से, और प्रदेशों में बढ़ जाएगी। ये देखो झोपड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? हैं हां पार्टी के कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं आप? नहीं जुड़े हुए भाजपा से हैं हम। अच्छा हां पर हमें फायदा नहीं होया,
बागी हो गए आप? बागी मतलब बागी होना पड़ेगा जब, बताओ बागी होना पड़ेगा जब हमें फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा हो रहा? करते हैं फिर भी बुराई कर रहे हैं अपनी पार्टी की। आपको दिखाऊं चल के, सरसों की इतनी फसल खत्म कर दी आप लोगों के, वाकई में ही नुकसान है। ऊपर तक बात नहीं पहुंचाते आप, कहते नहीं सरकार से? हमने सरकार से हमने क्या नाम ब्लॉक में जाके वो करी, हमने क्या नाम मंत्री से वो कर दी, सुनवाई नहीं हो रही आप लोगों की, किसी से भी नहीं हो रही, कोई कदर नहीं है कार्यकर्ता। कहते हैं गौशाला बनाओगे, गौशाला बनाओगे, गौशाला का नाम रह जा भाई, हम गौशाला बना रहे, तो दरी और कुर्सी बिछाने में रह गए आप बस, नारे लगाने में रह गए, नारे में ही रह गए, कार्यकर्ता ना ना कुछ नहीं, अच्छे दिन नहीं आए ना। दरियापुर गाँव से इतना ही, देखते रहिए केकेबी न्यूज, नमस्कार।